इनका जो पूरा लाइफ है ये चलता है इन दो चीज़ों से, एक तो वो और एक ये। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ त्रिपुरा सीरीज। और अभी हूँ मैं त्रिपुरा के लालजुरी में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं हिचहाइक करके रात को पहुंचा था लालजुरी। और अपना जो लालजुरी है ये बांग्लादेश बॉर्डर से 30-40 किलोमीटर्स और मिजोरम बॉर्डर से 50-60 किलोमीटर्स। और आज अपना त्रिपुरा में होने वाला है लास्ट दिन, और मेरा प्लान है यहाँ से मिजोरम निकलने का। मगर त्रिपुरा छोड़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको त्रिपुरा के डार्क पास्ट के बारे में। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट ये जो रीजन है इसको जाना जाता है अपने पीसफुलनेस के लिए, मगर 1970s, 80s और 90s के टाइम में ऐसा सिनेरियो नहीं था। यहाँ पे चलती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की किलिंग्स, किडनैपिंग, ऐसा सब कुछ। इसका रीजन क्या था कि त्रिपुरा जो 1949 के अंदर इंडिया के अंदर मर्ज हुआ था, उस टाइम यहाँ पे ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स का जो रेशियो था वो 90% और 10% का था। 90% ट्राइबल्स और 10% नॉन ट्राइबल्स, मतलब बंगालीज। मगर ये जो 10% बंगालीज ये इंडिजिनस त्रिपुरा के बंगालीज। मगर जैसा कि आप जानते हैं त्रिपुरा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि ये तीन तरफ से इसका बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, और इस वजह से त्रिपुरा को बोला जाता है द होम ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। मगर 1971 में बांग्लादेश बनने से पहले और बाद में भी इलीगल माइग्रेंट्स की यहाँ पे काफी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि यहाँ पे ILP नहीं है। ILP मतलब इनर लाइन परमिट। इसके लिए काफी प्रोटेस्ट भी हुए हैं पास्ट के अंदर और अब भी चल रहे हैं, बट गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई मतलब फोकस नहीं कर रहा। और त्रिपुरा में ILP ना होने की वजह से अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे सिनेरियो 70% और 30% का हो गया। 70% नॉन ट्राइबल्स। बात करें ट्राइबल्स की तो ट्राइबल्स अपने स्टेट के अंदर जो मेजोरिटी में आते थे किसी टाइम में, अभी माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं। और यही रीजन है यहाँ पे होने वाले इंसर्जेंसीज और टेरर अटैक्स का, क्योंकि ट्राइबल्स अपनी लैंड ओनरशिप खोते जा रहे हैं। वैसे तो पास्ट के अंदर काफी ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल्स के कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, मगर इनका एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जून 1980 रियोड, जो कि आप सब भी जानते होंगे। इसके अंदर अराउंड 300-400 लोगों को इनह्यूमन किलिंग्स हुआ, के घर जला दिए गए, उनकी दुकानें जला दी गई। बट इसके बाद तो सीन और भी ज्यादा खराब होता गया। जो ट्राइबल्स वुमेन थी जो बैपिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही थी उनके साथ रेप होने लगे। और जब त्रिपुरा के अंदर ये सब कांड हो रहे थे तभी आता है 1989, और 1989 के अंदर बनता है एक NLFT के नाम से मिलिटेंट ग्रुप, जो कि ट्राइबल्स लोग बनाते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द सिस्टम। और NLFT के मेन लीडर्स थे बिस्वा मोहन देबर्मा। और NLFT के जो मेन काम थे वो त्रिपुरा के अंदर इंसर्जेंसीज करना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की किडनैपिंग करना, जो सिविलियंस थे उनकी किडनैपिंग करना, फिर फिरौती मांगना। सो इनका जो मेन प्रदर्शन था वो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के खिलाफ था। इनको चाहिए था कि हमारा एक डिफरेंट स्टेट ऑफ त्रिपुरा जो कि पूरी तरीके से आज़ाद होगा नॉन ट्राइबल्स, मतलब कि बंगालीज से। बट 2002 के बाद गवर्नमेंट ने इनका बड़े लेवल के ऊपर एनकाउंटर किया और कुछ लोगों ने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। उन लोगों को बाद में जॉब्स दे दी गई या फिर उन लोगों को कुछ पैसे दे दिए गए। और 2019 के अंदर NLFT पूरी तरीके से बंद हो गया। बट अकॉर्डिंग टू द लोकल्स एंड अथॉरिटीज अब भी कुछ मिलिटेंट्स त्रिपुरा के अंदर एक्टिव हैं। सो दिस वॉज द फुल स्टोरी ऑफ द पास्ट ऑफ त्रिपुरा। एंड अब शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। और अभी मेरे को यहाँ से निकलना है लालजुरी, नहीं दामचेरा के लिए। यार यहाँ पे नाम ही ऐसे भूल जाता है, लालजुरी, नामचेरा, पानी सागर। दामचेरा के अंदर एक बंदा है अपना, वो कर रहा है आज अपना इंतजार, बोल रहा है कि 1 बजे तक मेरे को वहाँ पे पहुँचता है। देखते हैं, टाइम लिमिट अपने से कभी फॉलो तो हुई नहीं, आज क्या होता है। मेरे हिसाब से 4-5 बजे तक पहुँच पाऊँगा, बेचारा कैसे बैठा रहेगा। तो निकलने से पहले हम जा रहे हैं यहाँ पे मार्केट में कुछ खाना पीना करने के लिए। उन्नकोटे, हाँ मालूम मेरे को, वो मूर्तियों से बने। और यार यहाँ पे भी बारिश का इतना ज़्यादा सीन नहीं है। एक दिन तो पहले अगरतला में आया था और एक आज देखा है मैंने। मेघालय बगल में तो है लेकिन इतना नहीं आता यहाँ पे, इतना भी नहीं है, वहाँ से थोड़ा कम ही है। हाँ हाँ हाँ, वैसे मतलब त्रिपुरा इतना प्लेन्स वाला पार्ट है, माउंटेन्स इतना नहीं होगा ना। माउंटेन है मतलब इस तरफ नहीं है, दूसरे साइड पर है। ठीक है, ये सब चलता है, बस घर में चलता है। और यहाँ पे लगता है फिर लालजुरी का मीट बाजार, ये जो दिख रहे हैं बड़े बड़े लठ, इसके ऊपर बकरियों के, सुअरों के, मुर्गियों के सिर काटे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये बांग्ला भाषा में जो खाजा, हिंदू ने स्प्रिंग, हिंदू ने नहीं क्रिश्चियन ने स्प्रिंग, गारो खासी में बोलते हैं मेघालय में। यहाँ तो बारिश अब थोड़ा धीमा पड़ गया, अब निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पक्का जब आओगे मेरे को कॉल करना बस। ओके, इंस्टा दे जाइए आप, इंस्टा सेम नाम से है वो यूट्यूब वाला। और त्रिपुरा के गांव में हर चीज़ आपको बैम्बू से बनी हुई, ऐसी छोटी छोटी दुकानें, टी स्टॉल्स दिख जाएंगे। इधर अपना टेबल बना हुआ है, ये भी पूरा लकड़ी से। आर्किटेक्चर देखिए यार, इसके नीचे बैम्बू के पोल हैं।
और ये इसका सिक्योरिटी का और पेड़ को बचाने के लिए। और ये भी किससे बनाए भाई, बैम्बू से जो हर जगह अपने को लोहे का देखने को मिलता है, हर चीज़ बैम्बू से, बैम्बू का इतना यूज़ करते हैं ये लोग, बम्बू दे देते हैं बम्बू के। और यहाँ पे बने हुए मिट्टी से घर, ये 1950-60 के अंदर ले जाते हैं आपको, क्योंकि राजस्थान और पंजाब के अंदर भी आज से 50-60 साल पहले ऐसे ही घर होते थे। तो पहले मेरा जो प्लान था वो पानी सागर निकलने का था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यहाँ पे हूँ लालजूरी में, और पानी सागर जो पड़ता है वो ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, और जो दामचेरा है वो अपने डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि जो पानी सागर था अपना वो 35 किलोमीटर था, और जो दाम सागर है पानी सागर से भी 5-10 किलोमीटर आगे, लेकिन शॉर्टकट रास्ते से 10 किलोमीटर कम है। केबन आचेन भालो आची, कहाँ से आया? गोरू गाय चरा के। अपनो नाम की हो बे? सिकनाथ। अच्छा है, आई लाइक योर नेम। फिर यहाँ पे गायों को बांधते नहीं है, ऐसे जंगल में खुला छोड़ देते हैं, बस ये एक रस्सी लटका देते हैं गले में, एक रस्सी लिए घूमते रहते हैं, और वो रस्सी भी छोटी नहीं, 100-150 फीट की रस्सी। और त्रिपुरा के अंदर गाय को गोरू बोलते हैं, जैसा कि सिक्किम के अंदर भी बोलते हैं लोग, काफ़ी सेम हो गया ना, लेकिन दूरी बहुत है त्रिपुरा और सिक्किम की, दोनों बिल्कुल कोने के ऊपर हैं। भाई ये इन लोगों के मेन एग्रीकल्चर लैंड, और इसको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये त्रिपुरा का होगा, पंजाब वाला फील आ रहा है, पूरा पंजाब वाला। और एक और मेन बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, त्रिपुरी या फिर ये जो बंगाली लोग हैं, इनका जो पूरा लाइफ है ये चलता है इन दो चीज़ों से, एक तो वो और एक ये, वो हो गया इनका धान का खेत, और ये हो गया इनका तालाब जिनके अंदर ये पालते हैं मछली। तो मछली और धान ही तो इनका फेवरेट फूड है। किसी भले आदमी को लिफ्ट ही नहीं देते, आज का जमाना देखो कितना खराब हो गया है। दामचेरा तक जाओगा? नहीं, तो कितना दूर जाओगे? धर्मनगर तक छोड़ देगा हमें? अच्छा, इसमें गेयर इधर होता है। नाम की हो बे दादा? अंजन। अंजन, तो पहला लिफ्ट मिला है अपने को अंजन दादा के साथ में। भाई सामने टोपी लगा रखी बंदे ने, ये भी बैम्बू का है। यहाँ पे दादा हर चीज बैम्बू का बनाते हैं, बांस का ना इनका, मेरे को लगता है 90% काम बैम्बू से ही चलता है इनका जिंदगी ना। आप लोग एक बार खाएगा तो बहुत मजा आएगा। बैम्बू भी खाता है बैम्बू। तो ये जो जंगल देख रहे हो आप त्रिपुरा के अंदर, यहाँ पे जितने भी पुलिस चेक पोस्ट या फिर पुलिस स्टेशन मिलेंगे उनके सामने आपको मिलेंगे, जैसे अपने रेलवे ट्रैक के ऊपर जो नाके होते हैं ना फाटक, वो लगे हुए। और यहाँ पे मिलिटेंट्स मतलब जो आतंकवादी वाला अब भी बचे हैं यहाँ पे? अभी तो कम है, लेकिन है अभी तो बहुत कमती है। तो अभी उनको क्या किया, मार दिया या उन्होंने सरेंडर कर दिया? सरेंडर कर दिया। उनको नौकरी वगैरह दे दिया क्या? जो लहंगा बड़ा है वो तो नौकरी मिलता है, जो लहंगा बड़ा कमती है उसको पैसा दिया। और वो मिलिटेंट्स बने किस लिए थे, वो क्या चाहते थे? जो सिविल आदमी को पकड़ लेके जाएगा तो पैसा मांगेगा। अच्छा, 2-3 लाख। दादा तो धर्मनगर तक ही जा रहे थे, लेकिन अपने को ड्रॉप करने के लिए पानी सागर तक आ गए। थैंक यू दादा। दादा बैग रखे हैं, एक बार इधर मैं आता हूँ 10 मिनट में, ठीक है? तो अभी हूँ मैं नॉर्थ त्रिपुरा के पानी सागर शहर के अंदर, और अपना जो भाई है उसको आने में अभी 10-15 मिनट लगेंगे, तो थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं यार यहाँ का। वैसे भी आज मेरे को लगता है आज मैं त्रिपुरा से निकलने वाला हूँ, पर यार त्रिपुरा में आने के बाद मैंने यहाँ का कोई स्पेशल डिश ट्राई नहीं किया है। मेघालय में तो काफ़ी किया, क्वाई से लेके पिक तक, यहाँ पे लेकिन स्पेशल मेरे को कुछ लगा भी नहीं। लेकिन हाँ, पान हो सकता है यहाँ का स्पेशल। पानी ना, पानी, पान 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 का तो अच्छा पान बनाता, मिष्टी पान देता, मिष्टी। हाँ हाँ, कितना टका? बंगला पत्ता से होने से 10 रुपया होगा, 15 रुपया होगा। हाँ, बंगला पत्ता से 10 रुपया बनाता। सबसे अच्छा पत्ता कौन सा होता? मीठा पत्ता होता। मीठा, ये कहाँ का होता? कलकत्ता का। इट्ठू, थैंक यू दादा। तो भाई अपना आ चुका है जिसके बारे में मैं बता रहा था, सुदीप।
तो भाई ये भाई है वो जिसने मेरे को उस ट्राइबल गांव में भेजा था जहाँ से मेरे को त्रिपुरा राइफल्स वाले उठा के ले गए थे। तो भाई ने उस दिन भी मेरे को कैसे पहचाना था कि मैं रोड से जा रहा था, बैकपैक लेके बाइक से निकल रहा था, तो इसको देख के पता चल गया कि ये भाई भी ट्रैवलर है। तभी हम लोग मिले थे। मगर फिर उसी दिन रात को इसने बताया कि मेरा भी ट्रैवल करने का प्लान है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, लेकिन भाई जा रहा है बाइक से। तो अभी हम सोच रहे हैं साथ में जाने का, मगर मेरा इतना मोटो ब्लॉगिंग का मूड नहीं है, मूड क्या है इतना मज़ा भी नहीं आता। मगर अभी पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तो निकल रहे हैं यहाँ से। बाइक के ऊपर ही मेरे वाला बैग भी एडजस्ट करना पड़ेगा, काफ़ी टफ होगा यार एक बाइक के ऊपर दो बंदों का होना। लेकिन अभी पहले त्रिपुरा से निकलते हैं, एंटर करते हैं मिजोरम, वहाँ पे जाके रात को डिस्कशन करेंगे बाइक के ऊपर कंटिन्यू करना या फिर भाई अकेला निकलेगा मैं अकेला निकलूँगा या फिर दोनों ही चेकिंग करेंगे। तो पहले तो बिठाते हैं इसका जुगाड़ भाई, मेरे वाला बैग इसके ऊपर आके पीछे हटेगा तो थोड़ा सा बैठने का जगह मिल जाएगा दो बंदों का। अरे बाकी सब तो सेट हो गया, वो वाला बैग पैक मैं पीछे लेके बैठ जाऊँगा, इसके ऊपर वो बैग पैक आ जाएगा, लेकिन ये वाला बैग मैं आगे डाल के बैठूँगा तो जगह इसमें सिर्फ इतना है दो बंदों के लिए। तो ये वाला बैग भाई डाल लेगा आगे अपने, और ये वाला जो बैग है इसके अंदर पहले प्रॉब्लम ये था कि ये आईपैड था इसका, तो ये वाला मेरे के अंदर डाल लेंगे और ये इसके अंदर डाल लेंगे, तो कुछ टूटने का भी डर नहीं है। सेटिंग बिठाना पड़ेगा भाई। और बैग का हालत देखो यार मेरे, क्या क्या भरा पड़ा है, ये लैपटॉप बुक पावर बैंक ये गैजेट वाला ये एक्सटेंशन केबल, यहाँ पे आएगा क्या? आएगा आएगा। चलो ठीक है जैसे भी है, एडजस्ट करना पड़ेगा दो तीन दिन जब तक कोई डिसीजन नहीं बनता। मोबाइल और भूल जाता साला, चार्ज लगाया था। थैंक यू दादा, आप जैसे लोग आने तभी मैं बचा रहा हूँ, वरना खुद गुम हो जाता अब तक। GoPro हाथ में ही। थैंक यू दादा। ये हालत है भाई देख लो। चलते हैं? चलो भाई, रुकना पड़ रहा है 5 किलोमीटर के बाद ही, हालत बुरा हो गया अपना। इसको भी यहीं पे लगाना पड़ेगा, लटकता है पीछे वाला बैकपैक, और ऊपर से इतने बारिश के अंदर जब चलते हैं सर्दी इतना लगता है साला। देख लो यार कैसा जा रहा है अपना पहला दिन बाइक के ऊपर। इसको लेके कितने दिन का प्लान हुआ था? 3 महीना। 3 महीना का। तो बाइक में पकड़ता हूँ इसको, सही सेट करो ऊपर। भाई कोई रस्सी नहीं है यार बांधने के लिए, रस्सी मांग के देखते हैं इनके पास होता तो। रस्सी होगा रस्सी बांधने के लिए, ऐसा ऐसा तो फिर ये ले जा। भाई रस्सी काटने के लिए देखो क्या ला के दिए इन लोगों ने। इसको क्या बोलता? तलवार। नहीं आप लोग कौन सा ट्राइबल होता? खलम। ओ, खलम में क्या बोलता? चेम। चेम। ऐसे करके काटता, बहुत धार होता इसमें तो। राजस्थान जानते हो? राजस्थान। राजस्थान में क्या होता? मिट्टी। मिट्टी तुमको मालूम होता? बारिश में पैक करने में अच्छे से दिक्कत आ रहा था, तो बाइक को लगा दिया अंदर हमने, और अब अच्छे से पैक हो गया, दो बंदे बैठ जाएंगे। बाइक देखो कैसे गधा बना दिया, अब नहीं हिलेगा। और यहाँ से जो बॉर्डर बसता है मिजोरम का, कौन सा है? दामचरा बचा है 40 किलोमीटर, तो अगला स्टॉप सोचते हैं दामचरा में जाके लेंगे, क्योंकि अभी टाइम 4:30 हो चुका है और दामचरा पहुँचते पहुँचते अंधेरा होने वाला है मेरे को तो ये लग रहा है, क्योंकि कर्वी रोड्स हैं और बारिश भी आ रहा है, तो स्पीड 40 से ऊपर नहीं जाने वाला। पहुँच चुके हैं दामचरा, ये दामचरा का मेन सर्किल, और दामचरा पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे के अंदर पहुँच गया। और बाइक का हालत वापस से वैसा का वैसा डामाडोल, ये टूट गया बेचारे का। भाई को मेरे साथ ट्रैवल करना भारी पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होता है। मैं भी हिचाइकिंग के लिए निकला था तो पहला दूसरा दिन तो इतना ख़राब था पूछो मत, हर चीज़ का पहला दूसरा दिन हद से ज़्यादा ख़राब होता है। दादा मिजोरम बॉर्डर कौन सी तरफ होता है यहाँ से? मिजोरम बॉर्डर वो ज़्यादा दूर नहीं, वो थोड़ा नीचे जाएगा, इधर एक ब्रिज मिलेगा। अच्छा, गेट भी है, ब्रिज भी है इधर में। ओके, ये मिजोरम बॉर्डर है, वहाँ पे पुलिस के पास एंट्री करके जाना पड़ता है? नहीं नहीं, आप लोग तो ऐसे जा सकते हैं। ठीक है भैया, चलता हूँ। नाइस टू मीट यू। आपके धनिया वाले ऑफर का नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। भाई साहब धनिया स्मगलिंग के लिए बोले थे कि मिजोरम में जाके बेच दो, 10,000 दे दूंगा मैं। भाई ट्रैवलिंग करना है, मैं फंस ना किन्हीं किसी लोचे में। तो अभी चलते हैं यहाँ से, काफ़ी लेट हो गया, अंधेरा अभी होने वाला होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मिजोरम बॉर्डर क्रॉस करके मिजोरम के अंदर ही रुकते हैं। बॉर्डर के ऊपर भी पता नहीं पास वगैरह लगता है, ILP होता है मिजोरम के लिए भी, क्या प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहीं पे सबमिट कराने पड़ेंगे या फिर आगे जाके किसी स्टेशन के अंदर
आगे जाके पता करेंगे पुलिस वालों से। आया भाई गलत आ गए फिर से यहाँ पे फंस के आगे। कहाँ से होता दीदी? सामने ऑफिस था एक बाजार। ओए रुक जा। ओके थैंक यू। मेघालय के लिए कोई आईएलपी टूरिस्ट के लिए परमिट चाहिए या नहीं चाहिए? मेघालय ये मिजोरम उधर जाके लेना पड़ेगा। अच्छा ये ब्रिज के उस तरफ आ जाएगा मिजोरम अपना। ठीक है मिजोरम आ गया। हाँ हाँ अच्छा तो ILP अपना बन चुका है रात के 7:30 कैंडल लाइट के अंदर। लेकिन ILP का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ओनली 7 डेज के लिए देते हैं लोग, और वैसे अगर 7 दिन के अंदर रिन्यू नहीं करवा दे तो भी चलता है। मैंने सर से बात किया तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ILP के अंदर 1 महीना निकाल देंगे, और ILP बनने के बाद उन लोगों को हमने कुछ रहने के लिए जगह मांगा, मतलब टेंट लगाने के लिए जगह मांगा, तो उन्होंने बोला कि रेस्ट हाउस में रह जाओ। फिर हमने बोला कि इतना तो सर बजट नहीं हमारे पास। फिर सर ने इधर उधर बात करके बोला कि कोई बात नहीं, आपको नो नीड टू बजट, आप आज़ाद के लिए फ्री में रह सकते हो। तो ये अपना रेस्ट हाउस का बेडरूम, ज़्यादा साफ सुथरा नहीं है ऐसा कुछ है, जो भी एडजस्ट करना पड़ेगा, घर पे नहीं है हम लोग। तो अपने बैग वैग तो रख दें रूम में, और अभी जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। कहाँ पे? त्रिपुरा वापस, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के पास में पड़ता है ये ब्रिज से इधर त्रिपुरा, इधर मिजोरम है, तो मिजोरम वाली साली दुकान वगैरह बंद होगी तो त्रिपुरा के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जा रहे हैं बाइक के ऊपर, एक बार आ गया तो छोड़ेंगे नहीं। अब यार 4 महीने हो गए बाइक चलाए हुए, अब तो जहाँ पेशाब करने भी जाऊँगा ये लेके जाऊँगा। ठीक है दादा खाने में क्या होता? खाना में तो मछली है, मीट है, चिकन और राइस 2 प्लेट। और तेरा वो भी उसमें था ना? हाँ आईपैड भी उसमें। भाई एक और पंगा हो गया, अभी सब कुछ निपटा था, मेरे वाला बैग नहीं मिल रहा जिसके अंदर मेरा लैपटॉप सभी गैजेट और भाई का आईपैड भी डाला था जिसके अंदर। लेकिन अभी मेरे को याद आ रहा है कि पुलिस स्टेशन में जहाँ पे ILP बनवाया था वहाँ पे रख के भूल गया था शायद मैं। तो अभी उधर ही जा रहे हैं, क्या पता मिलेगा या नहीं मिलेगा देखने के लिए। लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है उधर पे रखा था शायद मैंने। सर मिल गया, मिल गया सर, मिल गया। भाई यहाँ पे रखा है बैग अपना रोड के पास में, लेकिन शुक्र है कोई लेके नहीं गया। पुलिस स्टेशन में भी नहीं था, पुलिस स्टेशन के बगल में यहाँ पे आते ही हमने आराम किया था सामने जो झोपड़ी जैसा बना है। मेरी चीजें मिल जाती हैं, कभी घूम नहीं होती। मेरा सारा सामान तुम्हारे पास ही दूंगा, घूम नहीं होगा। मेरे पास मेरा लैपटॉप ना पहले एक बार गुम हो गया तो कोई बंदा लेके चला गया।